हाय एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल तो आज हम थर्टीथ ऑफ जुलाई 2021 ट्वेंटी के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सो लेट्स के स्टार्टेड विद द न्यूज़ सेशन सबसे पहली जो न्यूज़ है वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूज़ ऑन ए आई आर ठीक है तो देख लेते हैं क्या क्या मेन हेडलाइंस हैं तो हेडलाइंस के बारे में ही एक बार देखेंगे प्राइम मिनिस्टर टू इंट्रैक्ट विद चीफ मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो कोविड नाइन्टीन का जो केसेज हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मीटिंग रिव्यू करेंगे इंट्रैक्ट करेंगे वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ और टोक्यो बाउंड इंडियन एथलीट आथेलेट से भी वो बात करेंगे एंड मोर देन थर्टी एट करोड़ 11 लाख फोर थाउजेंड कोविड वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अपील्स यू टू कम फॉरवर्ड फॉर अचीविंग टारगेट ऑफ हंड्रेड परसेंट वैक्सीनेशन तो ये है एक, एक बार मतलब पोर्टल पे अपडेट हो जाए तो हम सब लोग ही आ, हम तो कब से वेट ही कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर टू बिगिन टू डे विजिट टू ताजिस्तान टू पार्टिसिपेट इन एस सी ओ फॉरन मिनिस्टर सबमिट ठीक है to to Summit, तो यहाँ पे ताजकिस्तान कहाँ की कैपिटल है तजाकिस्तान तजाकिस्तान तो की कैपिटल क्या, क्या है दुशांबे ठीक है तो यहाँ पे क्या होगी एस की मीटिंग होगी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होगी और फोर्टीन ऑफ जुलाई को एंड ये क्या करेंगे अफ़गानिस्तान ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एस सी ओ कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन अफगानिस्तान दैट विल मीट ऑन फोर्टीन जुलाई विद द पार्टिसपेशन ऑफ द अफगानिस्तान गवर्मेंट एस सी ओ के आप ऑब्जर्वर स्टेट्स जो है बता सकते हैं ठीक है अफगानिस्तान इज़ वन ऑफ देम बाकी के तीन कौन है वो आप बताओ या फिर अभी सर्च करो और अपनी नोटबुक में एड कर लो ठीक है इंडिया चाइना रिव्यू स्टेटस ऑफ डिस इंगेजमेंट इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड अस्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद श्रीलंकन गवर्नमेंट रिगार्डिंग डेथ ऑफ़ फोर इंडियन फिशरमैन ये कुछ इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस हैं बाकी हम जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर uh, हेडलाइन से वो स्टार्ट करते हैं तो ये देखने को मिल रहा होगा इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ से बातचीत करेंगे वहाँ के मुख्यमंत्रियों से तो सिक्सटी परसेंट डिस्ट्रिक्ट हाई पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एंड फिर टेन परसेंट पॉजिटिविटी थर्टी सेवन इन नॉर्थ ईस्ट ठीक है तो ये कुछ है अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिज़ोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा इन सब की कैपिटल आपके टिप पे होनी चाहिए कि क्या इनकी कैपिटल है और क्या क्या असम किससे बॉर्डर करता है है ना कहाँ क्या है ये सब आपको मैप में बार बार एक बार देख लेना चाहिए रिवाइज करना चाहिए ब्लो टू ओली एज नेपाल सुप्रीम कोर्ट री इन स्टेट्स हाउस ऑर्डर्स दे हुआ एज प्राइम मिनिस्टर तो के पी शर्मा ओली को मतलब ये बोला गया है कि इनका जो आ, ये अपॉइंटमेंट था वो क्या था अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे थे ठीक है और इसलिए ये क्या कर लिया था पार्लियामेंट ने आ, डि डिजॉल्व भी हो गया था मे में, में प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली एंड डायरेक्टेड हर टू अपॉइंट ओलीज राइवल शेर बहादुर देवबा एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर तो अब जो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो कौन बनेंगे शेर बहादुर देव बनेंगे और ये चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नेपाल के ऐसा नहीं कि पहली बार बन रहे हैं। और ओली ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है पार्लियामेंट में 93 थ्री वन ट्वेंटी फोर तो ये खो दिया था एंड ही वाज़ गिवन अदर अनदर चांस भंडारी थ्री डेज लेटर लेकिन उसके बाद भी ये नहीं प्रूव कर पाए अपनी जो मेजॉरिटी है और अब ये क्या जाएंगे uh, जो uh, ऑल टुगेदर वन फोर्टी सिक्स एम पी फ्रॉम द नेपाली कांग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सेंटर अ फैक्शन ऑफ द ओली लेड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ठीक है यूनिफाइड मार्क्सिस लेनिस्ट और जनता समाजवादी पार्टी हैड फाइल अ ज्वाइंट पिटिशन तो इनके एनलमेंट से रिलेटेड ज्वाइंट पिटिशन भी फाइल की थी तो अब यहाँ पर न्यू जो नेपाली कांग्रेस है उसका गठन यहाँ पे हो जाएगा और ठीक है तो ये है और यहाँ पे जो लीडर है ना तो वो आर्टिकल 73 थ्री सेवनटी सिक्स के थ्री में ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल टू प्रूव हिज मेजोरिटी विद इन अ मंथ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो ये जो uh, शेर बहादुर हैं इनको भी क्या करना पड़ेगा अपनी जो मेजॉरिटी है मतलब विद इन थर्टी डेज ये प्रूव करनी पड़ेगी हाउस में ओके okay, उसके बाद नहीं तो यहाँ पे फिर दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट होंगे और फिर न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो सकता है लेकिन अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वाइल्ड ओली क्लेम द सपोर्ट ऑफ वन फिफ्टी थ्री एम बी बेस्ड ऑन लेटर्स फ्रॉम मल्टीपल पार्टीज देववा कलेक्टेड सिग्नेचर ऑफ़ इंडिविजुअल एम ठीक है और इन्होंने जो था देवा के क्लेम्स को भी रिजेक्ट किया लेकिन ओली के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया भंडारी ने रिजोल्यूशन ऑफ़ पार्लियामेंट तो ये वही सब बातें और अब इससे मतलब इंडिया पे क्या असर पड़ेगा इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये एक तरीके से न्यूज़ है क्योंकि आपको पता है कि ओली जब से प्राइम मिनिस्टर हैं तब से हमारे जो पीपल टू तो पीपल कॉन्टेक्ट है नेपाल के लोगों के साथ वो भी ठीक तरीके से नहीं ग्रो कर रहे हैं ना हम लोगों के बीच में आपस में हेट्रेट हो गई थी क्योंकि नेपाल के जो अब इतने बड़ी पोस्ट पर कोई कोई भी मिनिस्टर हो प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का अगर बोले कि ये हमारा पार्ट है और यहाँ पर हमारे जैसे उत्तराखंड के रीजन भी वो अपने मैप में उन्होंने न्यू पॉलिटिकल मैप भी रिलीज़ किया था और हर जगह मतलब नेपाल योग ओरिजिन कहाँ से हुआ नेपाल से है ना हमारे जो देवता भगवान सब नेपाल से तो इस तरीके की स्टेटमेंट नेपाल की साइड से आ रही थी और इंडिया और नेपाल के रिलेशन नहीं सही दिशा में चल रहे थे तो अब क्या होगा इससे अब ये जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देवबा तो इनका जो है मतलब एक तरीके से प्रो इंडियन स्ट्रैटेजी इनकी रहेंगी और चाइना के लिए ये क्या है थोड़ा सा चाइना के लिए मतलब सही नहीं है तो चाइना क्योंकि जो इनकी पार्टी फॉर्मेशन है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन था चाइना का केपी शर्मा ओली की पार्टी और इनसे है ना लेकिन अभी यह कि चाइना इक्वली ट्रीट करना चाहता है इनको भी अब यहाँ पे वेडिंग कार्ड इस पास लव जिहाद कॉल फैमिली कॉल्स ऑफ फंक्शन तो यहाँ पे ये यह कि अपनी सहमति से घर वाले करा रहे थे मतलब शादी लेकिन यहाँ पे क्या था फंक्शन ही कैंसल कर दिया जब ये शादी का कार्ड देखा कि हिंदू रीति रिवाज से हो रहा है और किसी मुस्लिम पर्सन के साथ हो रहा है तो इसको ये बोल रहे हैं बाकी की जो कम्यूनिटी है कि ये एक फ़ोर्स कन्वर्जन हो रहा है लव जिहाद का ये मामला है है ना जबकि घर वालों का कहना है कि ऐसा नहीं है और अपनी मर्जी से घर वालों की इच्छा से सबकी शादी हो रही है ठीक है तो ये भी है देन ये उसी से रिलेटेड है आर्टिकल यहाँ पे क्या जामिया शूटर अरेस्टेड फॉर स्पीच एट पटौदी गैदरिंग तो इन्होंने अभी पटौदी गैदरिंग में भी कुछ स्पीच दी ये एन टी के जब प्रोटेस्टर्स थे तो उन पर इन्होंने शूट किया था जामिया मिल् इस्लामिया में लास्ट ईयर और एफ रजिस्टर्ड हुई है अंडर आई पी सी सेक्शन वन ए तो यहाँ पर आई पी सी सेक्शन वन ए के लिए मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा है ठीक है वन ए में क्या है प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड टू ए में क्या है आउट रिलीजियस फीलिंग कि किसी की जो धार्मिक भावना है उसको क्या करना आउटरीच करना और एक सौ तिरपन ए में क्या है कि दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में आप क्या कर रहे हो शत्रुता को बढ़ावा दे रहे हो ठीक है एनिमिटी को प्रमोट कर रहे हो देन यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ आफ्टर फोटोज इन नंबर्स ओवर थर्टी टू थाउजेंड इन नैनीताल फॉर वीकेंड ट्वेंटी थाउजेंड मसूरी तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आ गए टूरिस्ट uh, मतलब जब से ये लॉकडाउन अनलॉक हुआ है और उत्तराखंड का जो कोविड प्रोटोकॉल है उसमें ये मैंडेटरी है विजिटर्स के लिए अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं स्टेट में कि आप देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टर करवाओ एंड कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो है टेस्ट कंडक्ट हो रहा है जो फास्ट सेवेंटी आवर्स में उसकी रिपोर्ट आपको लानी है दीज रिपोर्ट्स आर मैंडेटरी इवन फॉर पीपल विजिटिंग द हिल्स एरिया फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट ठीक है तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हैवी रेन स्टिगर फ्लैश फ्लट्स इन हिमाचल कार बिल्डिंग स्वेप्टवे शॉक पैनिक एन ग्रीफ तो ये कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो मतलब अनफॉर्चुनेटली हो जाती है लाइटनिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है ना आमिर फोर्ट के पास में और ग्रिट एंड ग्रेटनेस तो ये नोवाक जोकोविक के बारे में आर्टिकल आया हुआ है कल ही हमने देखा था कि वो विमिल्डन भी जीत गए थे और ट्वेंटी ग्रैंड स्लैम वो मतलब जीते हैं ठीक है और जो आ, राफा है राफिल नडाल और रोज़र फेडरर है ठीक है और नोवाक जोकोविस तो ये तीनों आप तीनों बराबरी में आए हैं इक्वलन ट्वेंटी ट्वेंटी ग्रैंड स्लैम तीनों ने जीते हैं विमल्डन हो या फिर फ्रेंच ओपन ठीक है तो जैसे ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन से कहाँ पे क्या खेला जाता है ना जैसे ग्रास में क्ले कोर्ट में कौन सा गेम खेला जाता है तो ये आप देखें और यहाँ पे इनके स्ट्रगल के बारे में बताया गया है कि हिस चाइल्ड हुज वॉज मार्क्ड बाई कॉन्फ्लिक्ट बचपन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे इनके जीवन में एंड हाउ ही मेड पीस लर्न टू फोकव इज़ द जोकोविच स्टोरी ठीक है तो संदीप द्विवेदी का ये आर्टिकल है इन्होंने जोकोविच के बारे में काफ़ी मतलब एक इंस्परेशनल आर्टिकल ये लिखा है और ये सर्बियन प्लेयर हैं ठीक है सर्बिया से ये हैं नाइन्टीज़ नाइनटीन एटी सेवन में बॉर्न हुए थे मेड द क्ले कोर्ट्स अराउंड बेलग्रेड बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल है पह, पहले आपको बताओगा यूगोस्लाविया था यूगोस्लाविया डिकेड ऑफ़ वायलेंट डिसंट्रिगेशन है ना जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा था तो बहुत जो सिविल स्ट्राइफ है और मिलिट्री के ब्रूटल एक्शंस थे इथेनिक क्लिनजिंग चल रही थी डेथ्स था ऑफ थाउजेंड्स एंड द मास माइग्रेशन ऑफ मिलियंस तो ये सब उसी टाइम पे हो रहा हो रहा था एंड द इमीजिएट रिकॉल ऑफ सर्बिया वॉज जस्ट ब्रूटल वॉज क्रिमिनल क्रिमिनल्स प्रोजीटेड बाई द हेग ट्रिब्यूनल और हॉलीवुड तो ये सब चीज़ें हैं और अभी अभी क्या है मतलब यू यूगोस्लाविया से अलग हो गया था ना जो मोंटेनेग्रो और आ, आपका ये सर्बिया है ना तो सर्बिया ने बाद में फिर क्या कर लिया था एक इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी 2008 में ठीक है और 2000 आ, 2006 में वो इंडिपेंडेंट बन गया था आ, बिलग्र बिल मतलब सर्बिया इंडिपेंडेंट बन गया था 2006 में और कोसावो एक जो सर्बिया के अंतर्गत था उसने भी प्रोक्लेम कर ली थी अपनी इंडिपेंडेंस 2008 में ठीक है तो ये सब कुछ आ, ये पार्ट हैं अब यहाँ पे यही बोला गया है कि जिस टाइम पे ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे आ, ट्वेल्थ बर्थडे तो उस टाइम पे आ, जब हैप्पी बर्थडे बोलना था है ना लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ एफ़ वन हंड्रेड सेवनटीन जो थे बॉम्बिंग वहाँ पे हुई और वो सॉन्ग बंद हो गया स्टॉप हुआ प्री बर्थडे पार्टी वहीं मतलब सब लोग हेल्पलेसनेस फील करने लगे और uh, ऐसी सब लाइफ उनकी थी और यहाँ पे दूसरे जो प्लेयर हैं उसके उनके बारे में बताया और इनके जो कोच हैं ठीक है जिनको अपनी सेकंड मदर बोलते हैं जोकोविक कोच समवन हु ही कॉल्स हिज सेकंड मदर वुड प्लान ट्रेनिंग सेशन मतलब ये क्या करते थे कोच जहा जहाँ पर जिस एरिया में मतलब बॉम्बिंग हो गई है जैसे नैटो ना, ने बॉम्बिंग जो नैटो ना, के फाइटर प्लेस हैं उन्होंने बॉम्बिंग कर ली है किसी एरिया में तो वो वही एरिया में क्या करते थे उनकी ट्रेनिंग देते थे कि अब यहाँ पे हो गया तो दोबारा नैटो जो है यहाँ पे तो बॉम्बिंग नहीं करेंगे है ना तो इसलिए हम यहाँ पे हम अपनी ट्रेनिंग कर लेते हैं सक्सेसफुली तो ऐसे वो करते थे और उनके जो कंटेम्प्रेरी थे उन्होंने भी कुछ इसी तरीके के जो चाइल्डहुड था वही क्या एना एना वो वो एक है ना ही वाज ऑलवेज रिलेक्टेड टू स्लीप अलोन एज अ चाइल्ड तो ये था एंड सर्बिया की जो नाइन्टीज़ की जनरेशन है वो ये कहते हैं कि जो ये बॉम्बिंग और ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे इन्होंने उसको उनको बहुत ज़्यादा टफर बनाया है और जो फर्दर चैलेंजेस हैं उसके लिए ये रेडी हैं तो जोकोविक का ये कहना है कि मतलब इन्होंने देखो बहुत वेलफेयर के लिए भी काम किया अगर किसी का पैशन है टेनिस या फिर आप अपने कभी इंटरव्यू अगर दो तो उसके लिए ये आर्टिकल ज़्यादा ज़रूरी है कुछ पर्सनैलिटी से रिलेटेड अगर पूछा जाता है ठीक है ये उन्होंने फिलन काम किए अपने जो फ्लड विक्टम्स थे उनके लिए मनी रेज किए हैं है ना सर्बिया में भी और क्रोशिया और बोस्नियन में भी तो पहले मतलब एक तरीके से इनके मन में कुछ एक ग्रज था एक हेटरेट था क्योंकि जब जब भी ये जीतते थे तो ये थ्री फिंगर विक्ट्री सैल्यूट देते थे थ्री फिंगर सैल्यूट क्योंकि जो सर्व सोल्जर्स थे उनको देते थे ड्यूरिंग देयर वॉर ऑन क्रोशिया लेकिन एज के साथ साथ इनको ये लगा कि अपने मन में इस तरीके के जो हेटरेट ग्रज है वो नहीं रखने चाहिए देखो जब भी हम अगर हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया है और हम उसको लगातार अपने लाइफ में सोचते रहें सोचते रहें और उसको हम फॉरगिव नहीं कर रहे हैं भूल नहीं रहे हैं तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे उससे तो हमारी खुद की प्रोग्रेस हैम्पर होती है तो यही यहाँ पे इनका कहना है कि डोंट थिंक इट इज़ गुड फॉर एनीबडी टू बी स्टक इन द इमोशन ऑफ हेट्रेड एंड रेज आई वर्क डॉन माई सेल्फ टू फोगिव एंड जो को विच स्टोरी टीचर्स दैट एंगर एंड एंग्स्ट कैन मोटिवेट यू टू बिकम ग्रेट है ना तो हमको मतलब ये एक कहीं से एक धक्का लग सकता है कि हमें किसी से गुस्सा हो सकते हैं कि भाई अब हमको ये करना है वो मोटिवेशन का भी काम कर सकते हैं लेकिन अगर हम रिकन्सिलियेशन करें एंड पीस विद इन कैन मेक यू द ग्रेटेस्ट तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा जब हम उस चीज़ को फॉगिव करके आगे मूव ऑन करें देन फैमिली मिस प्लानिंग अभी यहाँ पर यूपी के जो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी है ड्राफ्ट लॉ कॉन्ट्राइव स्पेक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल बैड फेथ दे मस्ट बी रिव्यूड अब नई पॉपुलेशन पॉलिसी देखो अभी असम की भी अनाउंसड हुई थी है ना अब जो यहाँ पर मतलब क्या है अभी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बोला है इट नॉट ओनली एम्स टू ब्रिंक फर्टिलिटी लेवल्स डाउन बट ऑल्सो नोटेबली टू इंश्योर देयर इज़ अ पॉपुलेशन बैलेंस अमंग वेरियस कम्युनिटीज़ की सारी कम्युनिटीज़ के बीच में क्या होना चाहिए पॉपुलेशन बैलेंस होना चाहिए एक जनसंख्या का संतुलन होना चाहिए और तो ये एक ड्राफ्ट लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल ट्वेंटी फ्यू डेज अगर ये पब्लिश हुआ और पब्लिक फ़ीडबैक के लिए इनवाइट मतलब यहाँ पे किया है कि पब्लिक फ़ीडबैक दे और कुछ क्लियर इट्स प्रेफरेंस फॉर पनिशमेंट एज़ अ मीन्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल तो जो ये क्या करता है ये इसमें ये बोला गया है कि जो भी सिटीज़न जिसके दो से ज़्यादा चाइल्ड होंगे उनको जो लोकल बॉडीज़ पोल हैं उनसे अलग रखा जाएगा वो नहीं पार्टिसिपेट करते कर सकते सिमिलरली रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट इन सेवरल अदर स्टेट्स बट ऑल्सो फ्राम अप्लाइंग मतलब जो प्रोमोशन है गवर्नमेंट जॉब्स में वो भी इससे रुक जाएगा और गवर्नमेंट सब्सिडी भी रुकेगी है ना गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे दो से ज़्यादा बच्चे होंगे तो अब यहाँ पर यह कि इंडिया जो है हम थ्रेटन नहीं हो रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से हम थ्रेटन नहीं हो रहे हैं जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है और जो सेंसस डेटा है वो ये शो करता है कि बहुत सारे जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हैज़ ऑलरेडी रीच रिप्लेसमेंट लेवल टू पॉइंट वन का जो रिप्लेसमेंट लेवल है वहाँ तक पहुँच गया है ऑन ए नेशनल लेवल की अगर हम बात करें वो डिक्लाइन हुआ है थ्री पॉइंट फोर इन नाइनटीन नाइन्टी फोर टू टू पॉइंट टू इन टू थाउजेंड फिफ्टी अब यहाँ पर जो यूपी गवर्नमेंट है इन्होंने क्या किया है कि एक टारगेट से अब टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है मतलब फर्टिलिटी रेट मतलब कि उन बच्चों की एक एवरेज नंबर जिन्हें बोलते हैं जिन्हें एक वुमेन अपना जो फर्टिलिटी एयर है उसके टाइम पीरियड में जन देगी ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं फर्टिलिटी रेट तो ये जो फर्टिलिटी रेट है ये मतलब टू पॉइंट वन ये एक आइडियल माना जाता है है ना टू पॉइंट वन इसको आइडियल माना जाता है इससे ज़्यादा सही नहीं है और ये बोल रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ देखो जो मृत्यु दर है मृत्यु दर भी तो ज़्यादा है ना बाल मृत्यु दर जिसे कहते हैं मोटिलिटी रेट है ना चाइल्ड सी एम आर तो ये भी तो ज़्यादा है तो उससे वो मिट्टिकेट हो जाता है अगर बच्चे मतलब ज़्यादा भी हो रहे हैं तो यहाँ पे ये है कि यूपी में टू ट्वेंटी सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स का जो आ, तक ये बोला गया है कि आ, टू पॉइंट वन का टारगेट है है ना कि इस तरीके से हमें करना है पॉपुलेशन को अभी क्या है टू पॉइंट सेवन परसेंट है और आगे दो हज़ार तीस तक क्या करना है इसको स्टेबल करना है और मेजर जो रीज़न यहाँ पे बताए थे एक गरीबी और दूसरा क्या बताया था अशिक्षा है ना तो ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से अगर मतलब गरीबी हटे और अशिक्षा का अभाव यहाँ पर नहीं मतलब अशिक्षा अशिक्षा दूर हो जाए तो तब ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती पर ये है कि लोगों की ये चॉइस भी है अब बहुत सारे तो बहुत लिटरेट लोग हैं बहुत प्रमिनेंट लोग हैं जिनके क्या हैं दो से ज़्यादा बच्चे तीन बच्चे हैं चार बच्चे भी हैं है, है ना लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो क्या है Uh, उनको मतलब नॉलेज नहीं है बट लेकिन क्या है वो उनकी पर्सनल चॉइस है तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि अभी हमारी कंट्री रिसेंटली कोविड नाइन्टीन की सेकेंड वेव से रिकवर कर ही रही है इकोनॉमिक क्राइसिस अभी कंटिन्यू है लेकिन पॉलिटिकल क्लास के पास मतलब इस जो फैमिली साइज डिसाइड करने से ज़्यादा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए तो आप उन सारी चीज़ों पर फोकस करो जो सदर्न स्टेट हैं ये भी है कि एक ग्रोइंग एविडेंस ये मिलते हैं कि इंडियन वुमेन जहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल स्टाटा की हम बात करें वहाँ पे फेयर चिल्ड्रन होते हैं अगर उनको उनके चॉइस जो है फुली एक्सरसाइज़ करने का अपॉर्चुनिटी मिले है ना उनकी चॉइस भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं फोर्स करते हैं कि इतने नहीं इतने सो एनी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग फर्टिलिटी डिक्लाइन देन मस्ट गो टू वर्क ऑन द एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन रिस्पेक्टिंग देयर चॉइसेस बाकी अगर हम बात करें जो और स्टेट्स हैं तो एम पी में इस तरीके के जो लॉ है दो हज़ार एक में थे राजस्थान में भी दो से ज़्यादा बच्चे मतलब अलाउ नहीं हैं एक तरह से उनको मतलब अलाउ मतलब अगर होंगे तो आपको फिर बहुत सारी जो है बेनिफिट्स और जो इंसेंटिव्स पर्कस होती हैं उनसे आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा है ना इसी तरह से आंध्र प्रदेश तेलंगाना गुजरात उत्तराखंड उड़ीसा महाराष्ट्र में भी इस तरीके के हैं कि दो के बाद से दो से अधिक बच्चे अगर आपके होंगे तो क्या होगा आपको जो सरकारी नौकरियाँ हैं उसमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएंगी है ना तो ये सब चीज़ें हैं और यहाँ पे जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू तालिबान 2.0 एंड द अफ़गानिस्तान टेस्ट Uh, यहाँ पे जो सी राजा मोहन है उनका ये आर्टिकल है उन, उनका ये कहना है कि अभी वॉशिंगटन ने कन्फर्म किया है कि नाइन्टी परसेंट उनका विड्रॉल हो गया है एंड तालिबान की लीडरशिप का ये क्लेम करना है कि उन्होंने अफगान टेरिटरी पे एट्टी फाइव परसेंट कंट्रोल कर लिया है तो ये उनका क्लेम एक्यूरेट है या नहीं तो इसमें कुछ डाउट नहीं है वो सच में ही वहाँ पर मिलिट्री ग्राउंड जो है वो क्रिएट कर रहे हैं और रीजनल uh, कॉन्क्लेव अभी होगी फॉरेन मिनिस्टर की uh, दुशांबे में दिस वीक अंडर द बैनर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पे भी किस पे बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में बातचीत करी करी जाएगी एस जो था बीस साल पहले चाइना और रशिया के द्वारा लॉन्च हुआ था और इनर एशिया जो स्टेबिलिटी है उसको प्रमोट करने के लिए ये हुआ था बीजिंग मॉस्को जो थे ये उस टाइम पर यू पावर से जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा था उससे ये काफ़ी ज़्यादा मतलब Uh, भीत थे एंड वॉशिंगटन एम्बिशन टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन द रीजन तो कुछ टाइम बाद जब एस सी ओ सेटअप हुआ तो टेरर अटैक हो गए थे न्यूयॉर्क पे वाशिंगटन में सितंबर इलेवन टू थाउजेंड वन में अलकायदा के द्वारा ठीक है तो तालिबान रूल अफगानिस्तान में जो था उन्होंने क्योंकि अलकायदा ने शेल्टर मिली हुई थी उनको तो यूएस ने फिर क्या किया जो तालिबान थे उनको पावर से हटाने के लिए अपनी ग्रेट वॉर ऑन टेरर दिखाया और वहाँ पर अपने जो ट्रूप्स थे उनको डिप्लॉय कर दिया और उस टाइम पर जो ये सारी कंट्रीज थे इन्होंने भी कोई उस पर आपत्ति नहीं जताई उन्होंने कहा ठीक है टेरर के खिलाफ आप लड़ रहे हो ठीक है तो फिर एस का गठन जो करेंट जो मैंबर है वो एट हैं चाइना रशिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान रशियास्तान पाकिस्तान इंडिया ठीक है और ये याद रखना बस तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है जो नहीं है वो आप याद रखना आपको याद रहेगा फोर ऑब्जर्वर स्टेट अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे देख लो ईरान अफगानिस्तान मंगोलिया एंड बेलारूस ठीक है ईरान एम आई करके याद कर लो आ, मंगोलिया बेलारूस अफगानिस्तान ईरान बीजिंग और मॉस्को ने जब 2001 में अफगानिस्तान में इंटरवेंशन कर रहा था यू एस तो कुछ भी अपोज नहीं किया और अमेरिका के जो इमीजिएट गोल था अलकायदा को हटाना वहाँ से और जो टेरर आउटफिट्स हैं उनको दूर करना चाइना एंड रशिया ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ जो अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस जो एक्सटेंड हो रही थी अफगानिस्तान उसमें थोड़ा सा उनको कुछ डाउट था रशिया ने कभी भी जो यूएस एस जिहादी इंसर्जेंसी थी सोवियत ऑक्यूपेशन से रिलेटेड 1987 में उसको कभी भी रशिया नहीं भूलाया विच एंडेड इन मॉस्को ह्यूमिलिटिंग मिलिट्री रिट्रीट इसके अलावा अभी जो है ईरान uh, की हैज़ बीन लॉक्ड इन अ कॉन्फन्ट्रेशन है ना यूएस के साथ चाइना के साथ रशिया के साथ एंड हैज़ इवन मोर रीज़न टू सी अमेरिका पुल डाउन बाय पैक्ट टू इन नेबरहुड और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान इनके भी यूएस पॉलिसी जो है अफ़गानिस्तान में उस उससे रिलेटेड ये पहले से ही बोलते थे कि मतलब नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा एक्सपेंशन यूएस मिलिट्री का अफगानिस्तान में है ना तो ये अभी यही बोलेंगे आई टोल्ड यू सो so, अभी देखो चले गए ना मतलब वहाँ से है ना तो ये इस तरीके से आ, सारी कंट्रीज़ के अपने अपने इंटरेस्ट वहाँ पर हैं एंड नैदर मॉस्को नॉर्थ बीजिंग वुड वॉन्ट टू सी मतलब ऐसा भी नहीं है कि मॉस्को और बीजिंग वहाँ पर अफगानिस्तान को एक नर्सरी बनाना चाहते हो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की अगेन अंडर द तालिबान और सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं है ना रावल पिंडी वरीज अबाउट द डेंजर ऑफ द पाकिस्तान भी थोड़ा डर रहा है कॉन्फ्लिक्ट स्पिलिंग ओवर द ईस्ट ऑफ द डूर लाइन एंड हॉस्टाइल ग्रुप्स तहरीके तालिबान पाकिस्तान कि वहाँ से मतलब ये अब पाकिस्तान में इमर्ज ना आए है ना जो टेरर आउटफिट्स हैं बाकी सारे सो दिस मीन न्यू कॉन्स्टेंट ऑन एबिलिटी ऑपरेट इन साइड अफगानिस्तान अभी क्योंकि प्रोलॉन्ग पीस जो थी अफगानिस्तान में जो यू मिलिट्री के प्रेजेंस के द्वारा सिक्योर थी लेकिन अभी उनके विड्रॉल के बाद वो उसका एंड हो गया है तो यहाँ पर न्यू डेली के लिए क्या चैलेंज है कि वहाँ अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके से ऑपरेट करना है और देर इज़ ऑल्सो द डेंजर डेट अफगानिस्तान अंडर द तालिबान कुड ऑल्सो बिगेन टू नर्चर एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स तो एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स भी नर्चर हो सकते हैं तालिबान के अंतर्गत अब अगर हम ज्योग्रफी की बात करें हेज गिवन पाकिस्तान द कैपेबिलिटी तो जियोग्रफिकली डिस्टेबलाइज दिस, कर सकता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट को लेकिन उनके पास ये पार नहीं है कि वो एक स्टेबल और लजिटमेट ऑर्डर क्रिएट कर सकें अफगानिस्तान में वो अपने जो इंटरेस्ट हैं उसी को सर्व करते हैं एंड पार्टनरशिप जो उनकी चाइना के साथ है रावल पिंडी पार्टनरशिप विद हैज़ द एक्सटेंशन ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन टू द अफगानिस्तान कैन एड्रेस पाकिस्तान पावर डिफिजिट तो ये सारे जितने भी अफगान सॉर्नरस हैं इंक्लूडिंग द तालिबान विल इन एविटिबली लुक फॉर पार्टनर बैलेंस इन पाकिस्तान एंड इंडिया को एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा एस सी ओ डेलिब्रेशन में अफगानिस्तान में और इंगेजमेंट इंटेंसीफाई करने होंगे वेरियस अफगान ग्रुप के साथ इंक्लूडिंग तालिबान एंड फाइंडिंग इफेक्टिव रीजनल पार्टनर्स ठीक है जो भी इंटरेस्ट है हमारे अफगानिस्तान को चेंज करने में हमको उसको देखना होगा लेसन अगेंस्ट प्रीजाइज तो ये ऑथर का यहाँ पे ये कहना है कि जो अभी आ, क्या हुआ था जॉर्ज फ्लॉइड की हत्या हुई थी किसके द्वारा एक पुलिस के द्वारा यूएसए में तो एक ब्लैक लाइफ्स मैटर मूवमेंट वहाँ पर चला था कहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में तो इनका कन्वेक्शन और इनका सेंटेंस हो गया था तो एक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बताया जा रहा है लेकिन ये बोला जा रहा है कि इतना ज़्यादा मतलब अमेरिका में डिस्पाइट अ प्रोलॉन्ग्ड एंड सीरियस effort made in the education system to address the issue. हमारे फिर भी मतलब अमेरिका में क्या है उसके बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं तो क्या मतलब खामियां हैं एजुकेशन की और ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एजुकेशन या फिर स्कूल मिलके सारी चीज़ें नहीं सुलझा सकते हैं अकेले के यहाँ पे जो पॉलिटिकल क्लास है सर्टेन ग्रुप्स है इकोनॉमिक है ना तो उनको भी सामने आना होगा और इस तरीके के जो चेंज हैं वो बेसिक लेवल से तब स्टार्ट किए जा सकते हैं नॉट बाय मार्केट अलोन तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड ही आर्टिकल है डेयरी सेक्टर मेनली तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो मार्केट uh, के द्वारा ही मतलब ये कॉपरेटिव लेड नहीं किए गए इसमें काफ़ी सारे थे इंटरप्राइजिंग वूमेन फार्मर ग्रुप्स है ना इन्होंने सबका कंट्रीब्यूशन था जिन्होंने मिल्क इकोनॉमी में बूम लाया और जैसे अमूल था तो ये क्विकली uh, और ज़्यादा मतलब ये बढ़ा सल्यूशन द नेचुरल प्रीडियोसिटी ऑफ मिल्क मतलब जो रीजनल जो ट्रेडिशनल तरीका था वुमेन का वो बैफल्लो का दूध लाती थी फिर वो बेचती थी है ना इस कलेक्टिंग स्टेशन पे उसके बाद उनको वीकली पेमेंट्स भी मिलती थी जो मिल्क डिलीवर करती थी एंड uh, ये सारी चीज़ें होती थी और इससे जेंडर इक्वलिटी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना ये सब एक साथ आए और इन्होंने मिलकर काम किया और कुरियन ने मैनेज किया वर्गीज़ कुरियन थे यूनिसेफ ग्रैंड फॉर अ प्लानट ऑफ इकोनॉमिक साइज तो अमूल डेयरी जो थी स्टैब्लिश हुई थी 1956 में और इन्होंने रियलाइज़ किया दैट मोर मनी कुड बी मेड बाय सेलिंग सम मिल्क फैट एज टेबल बटर एट दे रिकमेंड ये सारी चीज़ें थी और ये स्टार्ट जो हुआ था 1946 से त्रिभुवन दास पटेल गांधीन थे फॉलोअर थे सरदार वल्लभ भाई, भाई पटेल के इन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में डेयरी फार्मर्स को बोला कि आप ग्रेटर बॉम्बे जो मिल्क स्कीम है उनके अगेंस्ट स्ट्राइक करो है ना जो मतलब उनका मिल्क लेने से विंटर के टाइम पर रिफ्यूज़ कर देते थे क्योंकि वो उस टाइम पर बहुत सरप्लस हो जाता था इसलिए तो यहाँ से ये एक तरीके से शुरुआत हुई थी यहाँ पे एक कोंडा कोंडा कोंगू नाडू ठीक है तो कोंगू नाडु ये न्यूज में है रीजन नॉट फॉर्मली डिफाइंड येट द सब्जेक्ट ऑफ अ बाई डिबेट इन तमिलनाडु तो कोंगा नाडू क्या है कहीं है क्या तो कोंगर नाडु एक तरीके से इनफॉर्मली बोला जाता है इसके अंतर्गत ये सब आ जाते हैं धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट इरोड नीलगिरी कोयम्बटूर त्रिपुर है ना ओडा चट्रम डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में सालेम न करूर अब ये जो तमिल लिटरेचर था संगम लिटरेचर आपने सुना होगा तो यहाँ पर इसको रेफर किया गया था जो एंशंट तमिलनाडु था उसके फाइव रीजन में से एक तो यहाँ पर कोंगू नाडू का मैंशन था ठीक है तो नहीं ये कोई अभी प्लेस है पिन कोड भी नहीं है ना नेम गिवन फॉर्मली टू एनी रीजन इट इज़ कॉमनली यूज नेम फॉर पार्ट ऑफ वेस्टर्न तमिलनाडु बस अभी ये थोड़ा बहुत न्यूज़ uh, में डिस्प्यूट पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से ये आ गया बाकी यही था ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सॉरी मैंने थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोला ठीक है तो आप स्लो कर सकते हो अभी ओके थैंक यू